हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 14.5। ड्रॉ एनी एंगल विद वर्टेक्स ओ। एक वर्टेक्स ओ लेना है, उससे हमें कोई भी एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ मेजरमेंट नहीं दिया है, तो हम अपने आप से किसी भी मेजरमेंट का या बिना मेजर करे भी कोई एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। टेक अ पॉइंट ऑन वन आर्म, वन ऑफ इट्स आर्म एंड बी ऑन अनदर। दोनों आर्म्स जो हैं उस पे एक एक पॉइंट ए और बी हमें मार्क करना है। कैसे? सच दैट ए ओ इक्वल टू ओ बी, मतलब ओ से दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। सपोज ये ए ले लिया हमने, ये बी ले लिया। अब आप या तो एक पॉइंट मार्क करके उसको मेजर करके दूसरा उसी सेम मेजरमेंट पे कर लीजिए, या एक मार्क करिए फिर डिवाइडर की हेल्प से उसका डिस्टेंस मेजर करिए और फिर दूसरे पे मार्क लगा दीजिए कि कितना बड़ा है ये। तो ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ पे हमारा, ओ ए इक्वल टू ओ बी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ओ ए और एंड ओ बी। अब ओ ए और ओ बी लाइन सेगमेंट जो है उस पर हमें एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर बनाना है। तो अब आप इस एक्सरसाइज में लगातार करते जा रहे हैं, कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो हमने इसको लिया, इसे बाइसेक्ट कर दिया और इसको भी ऐसे बाइसेक्ट कर दिया और ये मीट हो रहे हैं पी पे। तो अब हमें ये बताना है पी ए इक्वल टू पी बी होगा या नहीं होगा। पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है। तो चलिए पेपर पे करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेना है, एक वर्टेक्स ओ से कोई भी एंगल बनाना है हमें। तो पहले हम एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां लिखा है किसी भी मेजरमेंट का, तो हम बिना मेजर किए बिना प्रोट्रेक्टर की हेल्प से दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा वर्टेक्स ओ से कोई एक एंगल बना लिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इक्वल लेंथ से एक पॉइंट ए बनाना है और एक पॉइंट बी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ओ से जैसे सपोज हमने मेजर किया कोई भी 5 सेंटीमीटर पे, जैसे हमने यहां पे पॉइंट लगाया, तो यहां पे भी हम 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा देंगे। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप रूलर से इक्वल डिस्टेंस के दोनों पॉइंट बना दीजिए या एक डॉट कहीं भी लगा दीजिए, फिर आपके डिवाइडर की हेल्प से उसको मेजर करके दूसरा भी सेम डिस्टेंस में पॉइंट बना दिए इसकी हेल्प से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, कि हमें इसको बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। किसका, ओ ए और ओ बी का। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें कंपास चाहिए। कंपास में कोई भी रेडियस सेट कर दी हाफ से ज्यादा, तो ए पे पॉइंटर सेट किया, एक आर्क बनाया, ओ पे पॉइंटर सेट किया, आर्क बना दिया। ये हम इनकी परपेंडिकुलर आर्क जो है, अब कोई भी रेडियस सेट करके यहां पे थोड़ा छोटा लेंगे जिससे एंगल के अंदर आ जाए। देखिए ये मेरी हिल गया है थोड़ा सा, तो मैं इसको इरेज करके दोबारा से लगाती हूं, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अब ये देखिए, पहले मैंने इस पे सेट किया, यहां पे एक आर्क लगा लिया और इसी से नीचे की तरफ भी एक आर्क बना लिया। अब इस वाले आर्क से इसको कट किया और सेम डिस्टेंस से इसको भी कट कर लिया। ये थोड़ा छोटा रह गया था तो हम यहां पे रख के एक बार और लगा देते हैं। तो देखिए ये दोनों आर्क बन गए। अब इससे हम इनको पॉइंट्स को एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये हो गया बाइसेक्ट कर दिया परपेंडिकुलरली। बाइसेक्ट मतलब ओ ए को हमने हाफ में डिवाइड कर दिया परपेंडिकुलरली। अब ओ बी को भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, तो सेम प्रोसीजर जो यहां पे कर रहा था वही हम इस लाइन पे भी करेंगे। एक पॉइंटर को बी पे रखा और सेम रेडियस को से ओ पे लेके आर्क लगा दिया, ठीक है। अब कोई भी रेडियस सेट करके इससे लगा के यहां पे करा आर्क और यहां पे लगाया, इस आर्क को कट कर दिया इस जगह से,
इधर से सेम ऐसे करा और इस वाले आर्क से ये ऐसे करा। देखिए सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करा है, जो OA के लिए किया था वही OB के लिए। अब ये हमने इसको कर दिया, ड्रॉ कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, ये इनको नाम दे देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, एक्स वाई एम एन। तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इक्वल टू, एक्स वाई परपेंडिकुलर है ओ ए के, परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट कर रही है, और एम एन क्या है, परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट कर रही है किसको, ओ बी को। अब यहां पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो किस पे मीट कर रहे हैं, दोनों पी पॉइंट पे, तो दैट मीन्स यहां पे हमारे मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया हमारा पी पॉइंट। तो अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज पी ए इक्वल टू पी बी, तो हम पी से ए का डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ये हम इससे भी कर सकते हैं, पी पे रखा और बी तक इसको ले आए अपने डिवाइडर को। देखिए ये जितना है, अगर ये इतना ए तक का है तो दैट मीन्स क्वेश्चन में जो बोला है वो सही है, ये देखिए एग्जैक्ट उतना ही है। ये आप स्केल से भी मेजर कर सकते हैं दोनों का, पर यहां पे हमने डिवाइडर की हेल्प से करा, तो हमें क्या पता चला कि यस पी ए इक्वल टू पी बी। इस क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट है तो आप इनको अलग अलग करके देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट बहुत इजी है, फिर से आप एक बार वीडियो को देखिए, ड्रॉ करके देखिए, नहीं समझ में आए तो मुझसे अपने डाउट्स पूछिए, मैं सारे क्लियर करूंगी।